जय हिंद बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा की परिभाषा सीखेंगे और उसके भेद देखेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा, संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव एवं दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओडिया रे जदि आमे बुझिबा ताहले विशेष्य पद जहाँ हिंदी रे संज्ञा पद सेया। कौनसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं जाति ओ भावर ओ दशा आदि को आमे विशेष्य जेभली कहूचे सेभली संज्ञार परिभाषा मध्य सेया। उदाहरण आमे दे परिया, भारत एक महान देश है, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। तो याकु जदि आमे डिटेल रे पढ़िबा ताहले आमको पढ़िबा को पड़िबो संज्ञा केते प्रकार रो। तो आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो संज्ञा के वैसे तो तीन ही भेद हैं। संज्ञा के भेद में पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा जातिवाचक, इतना ही पढ़ा जाता है। पर जातिवाचक का व्यापक रूप देखने की वजह से हमें इसको दो भागों में बांटना पड़ा है, एक द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। तो आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो शब्द किसी विशेष, इसमें महत्वपूर्ण है विशेष, तो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे रमेश, वह व्यक्ति है पर उसको वो विशेष व्यक्ति क्या हो गया? रमेश। उसी तरह धर्म ग्रंथ, किताब या पुस्तक, पुस्तक कहें तो बहुत सारी है, पर बाइबल यदि कहेंगे तो वह एक विशेष पुस्तक है। उसी तरह से गंगा नदी, तो नदी तो बहुत है पर गंगा की अगर चर्चा की जाए तो वह व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। राष्ट्र बहुत हैं पर अगर भारत राष्ट्र का अगर हमने नाम लिया तो वह एक विशेष राष्ट्र है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी हम देखेंगे इसके बाद भाववाचक संज्ञा। नाम से ही विदित होता है जिन शब्दों से गुण, कर्म, दशा, भाव, अवस्था का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मानी इसमें मनुष्य के गुण, कर्म, दशा, भाव, अवस्था सभी का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की एक परिस्थिति है कि उसे हम केवल महसूस करते हैं, उसका कोई आकार नहीं होता, उसको भावों में ही व्यक्त किया जाता है, जैसे घृणा, क्रोध, सुंदरता आदि। वाक्य अगर हम करें तो बुराई से डरो, तो यहाँ बुराई शब्द जो है वह हमारा भाववाचक संज्ञा है। घर की दूरी विद्यालय से कितनी है, तो यहाँ पर दूरी शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा रे आमर मनीषर समस्त गुण, कर्म, दशा, भाव एवं अवस्था को व्यक्त करा जाय थाए। एति एई भाव गुड़िक को आमे अनुभव करी पारू किंतु यहाँ कौनसी आकार न थाए। तो सेई गुड़िक को सेई शब्द जो शब्द गुड़िक एई सब दशा को व्यक्त करंती ताकु आमे भाववाचक संज्ञा बोली हिंदी रे कहिबा। तृतीय हूँ आमर जातिवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराते हैं, मतलब ये बहुत चीज़ें हैं इसमें। तो ये एक व्यक्ति नहीं, बहुत व्यक्तियों का समुदाय, प्राणियों का समुदाय, स्थानों का समुदाय, वस्तुओं का समुदाय उसको व्यक्त करते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण कुत्ता, कुत्ता एक नहीं है, अगर हमने घर में एक कुत्ता पाल लिया तो उसका नाम टॉमी दे दिया, पर कुत्ते तो बहुत हैं, तो ये कुत्तों का समूह है। मनुष्य, मनुष्य एक मनुष्य नहीं है, रमेश कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, पर अगर मनुष्य कहेंगे तो वो जातिवाचक होगा क्योंकि वह समूह है। हाथी, पहाड़, शिक्षक, इन सबको हम गिन सकते हैं, एक खासियत है कि इनको हम गिन सकते हैं और उनको जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। इसके दो भेद करे गए हैं, क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, एक समूहवाचक संज्ञा है। तो आज हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा।
जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक खासियत इसमें है कि इन्हें हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, पर इन्हें हम गिन नहीं सकते। तो माप सकेंगे, तोल सकेंगे, पर गिन नहीं सकते। तो जैसे दूध है, घी है, गेहूं है, सोना है, पानी है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते। तो ऐसे पदार्थों का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अंत में समूहवाचक संज्ञा, तो जो शब्द समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, कक्षा, दल, सेना, गुच्छा, ढेर इत्यादि। तो एक खासियत इसमें है कि इसमें एक ही प्रकार के नहीं, उल्टे विभिन्न प्रकार के लोग इसमें सम्मिलित हैं। भीड़ में विभिन्न प्रकार के नारी है, नर है, सब हैं, तो ये बच्चे हैं, बड़े हैं, तो ये भीड़ उसको व्यक्त करती है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के हैं। कक्षा में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, विभिन्न प्रकार के बच्चे वहाँ बैठते हैं। एक दल, दल मतलब एक जैसा नहीं, विभिन्न प्रकार का। तो सेना, तीनों सेना को लेकर सेना बनी है। गुच्छा, गुच्छा अंगूर का गुच्छा है, तो ये ढेर, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से बना ढेर। तो ये सब जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। तो आज के लिए इतना, और मैं समझती हूँ बच्चों ने अच्छी तरह से संज्ञा के बारे में सुना होगा और देखा होगा। तो अगले अध्याय में देखेंगे कि हम इसको कैसे अलग अलग करके बांट सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे।